इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिट एग्जाम। तो जैसे कि आपका एग्जिट एग्जाम है तो वहाँ पे आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दें जिससे एक अच्छे स्कोर आप एग्जाम में कर सकें, तो इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो हमारा लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, लेकिन जितना शॉर्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका रीज़न क्या है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे नो स्ट्रेस या टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्वेश्चन रीड केयरफुली किस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, साथ ही में आंसर कैसा आपको देना है, और यहाँ पे नो स्ट्रेस हमने 3 टाइम्स लिखा है, इसका भी एक रीज़न है। सारे क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किए हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता है किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ये सब चीज़ आपको पता नहीं है। तो क्या होता है, आपने प्रिपरेशन अच्छी की है लेकिन स्कोर आपका डाउन हो सकता है। तो आपका स्कोर अच्छा रहे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट चले यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट है, फर्स्ट है यहाँ पे नो स्ट्रेस। चलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से बिल्कुल डिटेल में देखते हैं नो स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस वाला जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है, जैसे कि आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, इससे पहले ऐसा नहीं आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आप देखे आ चुके हैं यहाँ तक। अब जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हो गया, जीपैड हो गया, या गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं जो जॉब के लिए होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट के लिए होते हैं एडमिशन के लिए, तो उन एग्ज़ाम के क्या है ना, वो सभी आपको पता है, उनके पेपर आप देख सकते हैं या आपको पता है किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है, तो उनमें स्ट्रेस होता है लेकिन तो स्ट्रेस तो उन एग्ज़ाम के लिए भी होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि किस तरह से एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम तो हार्ड नहीं होगा लेकिन स्ट्रेस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपने याद किया प्रिपरेशन अच्छी की है उसको भी आप ख़राब कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है नो स्ट्रेस, देखिए एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है एक बार आपका एग्ज़ाम ख़राब गया तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप रिपीटेड दे सकते हैं, एक बार नहीं होगा दोबारा तिबारा, तो इस तरह से आप काफ़ी बार इसको दे सकते हैं जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी एग्ज़ाम में ना लें, जिससे आपने जो क्वेश्चन याद किए वो भी आप भूल जाएं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। अच्छा सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, अब ऐसा हुआ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आते हैं, आपने एग्ज़ाम से क्या किया उसका आंसर सेलेक्ट किया आपने दे दिया, जब आप सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं वो आपको आता ही नहीं है। अब जब आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप एक पे अटक गए, आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं भाई क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगा रहे हैं या उसको बार बार पढ़ रहे हैं, इससे होता क्या है ना, आप एक ही क्वेश्चन पर अटक गए, आपका टाइम वहाँ पे ख़राब हो जाता है। अब सपोज़ कीजिए सेकंड आपसे नहीं आ रहा, आप उस पर इतना टाइम ले लगा रहे हैं लेकिन उससे आगे वाले क्वेश्चन वो आपसे आते हैं लेकिन आपने देखे नहीं है, एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको पेपर मिला पहले देखिए कितने क्वेश्चन हैं, उसके बाद देखिए कितना टाइम है। अब मल्टीपल है तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए और इस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। किस तरह से आप करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हैं तो जो आपको याद है पहले आप उन सबको अटेंड कीजिए। सेकंड राउंड में आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सभी को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, कोई आपको लग रहा है भाई ठीक है इसका ये है तो सेकेंड राउंड में आप उनको लगा दीजिए, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड। तो आपको करना क्या है ना, जो आपसे नहीं आ रहा है ना वो आपको सबसे बाद में करने, ऐसा मत सोचना कि सर मैं एक साथ ही सारे कर देता हूँ जिससे मार्क्स अच्छे आ जाएँ, आपको जो पहले आ रहा है आप वो करिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है आप इसमें थ्योरी वगैरह लिख रहे हैं, एक तरफ से आप लिख रहे हैं अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीपल में जो आपको पहले आ रहा है और अच्छे से आ रहा है आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से टाइम को आप मैनेजमेंट करिए जिससे आपका टाइम वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही रहे, ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन तो आते थे लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जिससे आपके क्वेश्चन रह गए, लेट हो जाता है। हम थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन रीड केयरफुली। अब देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है, जैसे कि आपका जो ये एग्ज़ाम है एग्जिट एग्ज़ाम, इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो क्या होता है हमारे जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे एक भी पॉइंट आपने सही से नहीं समझा है तो उसका आंसर वहाँ पर चेंज हो सकता है। अब एक तो जैसा आपने डी फार्मा सेकेंडरी का भी एग्ज़ाम दिए, चलिए थ्योरेटिकल होता है, तो सपोज़ कि आप फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम देने गए वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक, क्या होता है डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पर आप क्या करें वहाँ से रिलेटेड उससे लिख रहे हैं, लेकिन जो आपके मल्टीपल होते हैं ना उसमें लिखना तो होता नहीं है, 4 आंसर दिए होते हैं, 1 सेलेक्ट करना होता है, तो क्वेश्चन को आपको केयरफुली वहाँ पे रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है जिससे उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आप दे सकें। आपने जल्दी जल्दी में पढ़ा, आपने सोचा चलिए इसका ये पूछ रहा है ये है, लेकिन असल में वो क्वेश्चन कुछ और था, साहब बिल्कुल भी मत करना, क्वेश्चन को केयरफुली तरीके से अच्छी तरीके से रीड करना पढ़ना उसके बाद उसका आंसर देना। अच्छा यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं आंसर सेलेक्ट केयरफुली। अब देखिए क्या होता है, ये मिस्टेक वैसे कम टाइम ही होती है लेकिन काफ़ी बच्चे इस मिस्टेक को कर आते हैं, जो क्वेश्चन था उनको इजी सा क्वेश्चन मिल गया, उनको पता है एकदम से क्या करते हैं जल्दबाजी करते हैं और जो उसका आंसर है वो सही की जगह गलत सेलेक्ट कर देते हैं, हालांकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सही किया है लेकिन वहाँ पर जैसे वो होता है पॉइंट ए बी सी डी इस तरह से एक जगह बी कर दिया बी की जगह सी कर दिया,
तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्वेश्चन आपको आते हैं, आपने मेहनत की है, प्रिपरेशन की है, उसके बाद भी आप बाई मिस्टेक वहाँ पे जो वहाँ पे ए बी सी डी इसको गलत वहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है, तो पूरा क्वेश्चन आपका वहाँ पे ख़राब हो जाता है, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हमने 2 पॉइंट लिखे हुए, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेस। तो देखिए, बाई मिस्टेक यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, जानबूझ के लिखा है, जिससे आपको ये पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रहे लेक्चर देखने के बाद भी कि आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम ये आ रहा है। तो आप बस क्या करना है, इस स्ट्रेस को एक तरफ रख के आप प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, जिससे आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकें। तो आई थिंक ये जो हमारा पर्पज़ था आपको यहाँ पे समझाने का इस लेक्चर में, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट, आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड, आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अटेंड कर सकें। एक क्वेश्चन पर बिल्कुल मत अटकना, एक नहीं आ रहा है दूसरे पर जाइए, दूसरे नहीं आ रहा है तीसरे पर जाइए, जो आपको पहले आ रहे हैं उनको अटेंड कीजिए, सेकंड टाइम में जो आपको पढ़ने के बाद में अच्छे से कुछ समझ आ रहा है उसको अटेंड कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, ऐसा ना हो क्वेश्चन कुछ आंसर आप कुछ और दे आए, और आंसर सही से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसके बाद भी आप आंसर में ए बी सी डी की मिस्टेक कराए तो वहाँ पर आपकी स्कोर डाउन हो सकता है। और स्ट्रेस वाला पॉइंट हमने आपको बता दिया, तो आई थिंक जितना हमने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करें आपके मल्टीपल क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज एक लेक्चर में कोशिश करेंगे एक पूरी यूनिट के मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करने की जो पॉसिबल आ सकते हैं।